अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी फैमिली? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, खैर खैरियत से होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं के साथ। आज का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ पहले अपना ड्रेस शेयर करती हूँ, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ ताई अम्मी के घर पे। आज हमारी दावत है, अफ्तार पार्टी है, तो इसलिए मैं आज ये वाला ड्रेस पहनने वाली हूँ। ये बनारसी सतरंगी का ड्रेस है। मैंने लास्ट डे स्टिच करवाया था मगर मैंने सिर्फ दो ही दफ़ा पहना। आज मैं थर्ड टाइम पर ये ड्रेस पहनने वाली हूँ। और अभी जो है मैं अपनी ताई अम्मी के घर जा रही हूँ, क्योंकि उनका घर हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो बस यहाँ पर मैं उनके घर पे पहुंचने वाली हूं और फिर उसके बाद जो है वहां अफ्तार की तैयारी हो रही है। के हुक्म के साथ हमने आज 23वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लिहाजा पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। आपसे यही गुजारिश होती है कि अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड कॉमेंट लाजमी किया करें। ताई अम्मी के घर से हम लोग वापस आ चुके हैं, तो अभी मैं आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करने वाली हूँ। और लास्ट व्लॉग में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग बाज़ार गए हैं और मैंने वो व्लॉग शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर दूंगी, आप वो व्लॉग भी देख लीजिएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग, मतलब भाभी ने भी जो शॉपिंग की थी, मैंने भी जो ख़रीद के लाया था, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये जो खुस्से हैं ये भाभी के हैं, भाभी ने ये वाले खुस्से लिए हैं और आजकल खुस्से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो इसलिए हमने इस दफ़ा खुस्से ही परचेज़ किए हैं। खुस्से हैं वो मेरे हैं, ब्राउन वाले ही, मैंने अपने ब्राउन ड्रेस के साथ लिए हैं। अभी मेरे ड्रेसेस कोई भी स्टिच होकर नहीं आए हैं, जिस दिन स्टिच होकर आ जाएंगे वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आजकल खुस्से बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं, इसलिए जो है अपने सपने ही खुस्से लिए हैं। और ये जो खुस्से हैं ये बच्चों के हैं, एक अदन का है और एक बरीरा का है। तो सारे ही खुस्से आप सबको होपली पसंद आएंगे। और जो है आपको ज्वेलरी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये मैंने एक इयर रिंग्स लिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर के साथ बनाया, लेकर तो मैं मम्मा के लिए आई थी लेकिन उन्हें लग रहा है कि थोड़े बड़े हैं, तो अब देखें क्या होता है। और ये रिंग ली है मैंने अपने लिए, ये रिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी तो ये मैंने अपने लिए परचेज़ की है। नेक्स्ट इयर रिंग्स दिखाऊंगी वो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, वो मिरर पे बने हुए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आजकल इन हैं। और जो मैंने जो जिस ड्रेस के साथ ही मैंने लिया है वो मेरा शेफोन पे है, तो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो इसलिए मैंने ये वाले इयर रिंग्स लिए हैं। और जो अब मैं आपको चूड़ियाँ दिखाऊंगी ना, वो मैं किसी की फरमाइश पर लेके आई, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा था कि चूड़ियाँ पहना करो, क्योंकि मुझे चूड़ियाँ नहीं पसंद, मैं नहीं पहनती, तो उन्होंने मुझे कहा कि चूड़ियाँ पहना करो अच्छी लगती हैं। तो इस दफ़ा मैं ये वाली चूड़ियाँ लेके आई हूँ, स्टील पर बनी हुई है, आजकल ये भी बहुत चल रही हैं। अब आप सब कह रहे होंगे कि सब कुछ ही चल रहा है, लेकिन वही बंदा लेके आता जो चल रहा होता है। के साथ बच्चों की थोड़ी सी ज्वेलरी शेयर करने वाली हूँ जो भाभी ने बच्चों के लिए लिए है। ये टॉप्स लिए हैं, मैग्नेट वाले हैं, और ये दोनों के लिए हैं, अदन के लिए भी और बरीरा के लिए भी हैं। साथ में जो है ये भाभी की ज्वेलरी है, जो जो चीज़ें हमने परचेज़ की थी वो सारी ही मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये भाभी के इयरिंग्स हैं सिल्वर कलर के, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और सारी हमें रीज़नेबल प्राइस में ही सारी चीज़ें मिली हैं, बहुत अच्छी चीज़ें मिली हैं। आप सबको भी अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो कमेंट में आपने मुझे लाजमी बताना है। ऐसा नहीं करना कि आपने वीडियो देखनी और कमेंट ही नहीं करना है, ऐसे ही चले जाना है। कमेंट के साथ साथ आपने लाइक भी ज़रूर करना है, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके साथ पीछे जो इयरिंग्स मैंने आपको दिखाए हैं वो बाली टाइप बने हुए हैं, और ये जो है एक रिंग है, मतलब भाभी ने ही अपने ड्रेस के साथ ली है, और ये ग्रीन कलर की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, ये भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिली है। और साथ में कफलिंग भाई के लिए लिए हैं स्ट्रट्स, और ये हेडबैंड्स थे बच्चों के कुछ।
शॉपिंग और होपली आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक लास्ट में कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।